प्रणाम टुडे समाचार में अपने के स्वागत है हम ज्योति शुरू करी बृहस्पति दिन धनुषा में 38 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार सा पिछला 24 घंटा में धनुषा में बृहस्पति दिन 38 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल है। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध कराने तथ्यांक अनुसार बुध दिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित के संख्या 1488 रहल में बृहस्पति दिन 38 थप भेल हाल धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 1434 रहल आई धनुषा में निक भेनिहार में 88 गोटे रहल तथ्यांक देखने आज तहिना आई धनुषा में कोरोना संक्रमण से 4 गोटे के मृत्यु भेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनौनी आज बृहस्पति दिन 184 गोटे पीसीआर परीक्षण कराने में 38 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल तथ्यांक में उल्लेख आज धनुषा में मृत्यु भेल सब में चिरेश्वर नाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 5 रहनिहार 61 वर्षक एक पुरुष शबेला नगर पालिका वार्ड नंबर 8 रहनिहार 87 वर्षक एक महिला जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार वर्ष 56 के एक पुरुष और जनकपुर धाम में उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 18 में रहनिहार वर्ष 63 के एक पुरुष रहल ओकर सबक देश भर के विभिन्न अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जनौल गया धनुषा में संक्रमित मध्य 1345 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज कराई रहल सामान्य इलाज में रहल संख्या 58 रहल तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित के संख्या 27 रहल वेंटिलेटर में इलाजरत के संख्या 4 रहल धनुषा में हाल धरि कोरोना कारण मृत्यु भेल के संख्या 95 रहल प्रदेश दू सरकार कोरोना नियंत्रण के प्राथमिकता में राख आगामी वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम सर्वसनी के लखाई बृहस्पति दिन बैसल प्रदेश सभा के बैसार में प्रदेश दू प्रमुख राजेश झा अहिराज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत के लाएथ। नीति तथा कार्यक्रम में स्वास्थ्य कृषि पर्यटन स्वरोजगार शिक्षा और सिंचाई के सेहो प्राथमिकता देल गेल जनकपुर स्थित मणिपाल अस्पताल के निर्माणाधीन अस्पताल के कोविड अस्पताल बनेबाक अस्पताल सब में स्वास्थ्य कर्मी सब के दरबंदी थब्बा कोविड महामारी नियंत्रण कर संरचना निर्माण क कोरोना के मात्रे अस्पताल छुटेबाक नीति प्रदेश सरकार लेनी आज प्रदेश गौरव के योजना के रूप में मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में आगामी आर्थिक वर्ष में पठन पाठन शुरू कर प्रादेशिक अस्पताल के 500 बेड क्षमता में विस्तार करबाक योजना सरकार लेने प्रदेश प्रमुख झा बतौलन तहिना कृषि के मझोला उद्योग के कर राजस्व छूट उइक कृषक आ चीनी उद्योगक लेल विशेष पैकेज वेटनरी सेवा के प्रभावकारी बनेबाक नीति सरकार लेने झा बतौलन प्रत्येक जिला सदर मुकाम में संचालित दलित छात्रावास आ ज्येष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रम सम्पन्न क प्रत्येक जिला में अतिथि सदन निर्माण करबाक आ जनकपुर में मधेश सम्मेलन केंद्र निर्माण करबाक झा बतौलन जैविक विविधता को संरक्षण पानी मुहान संरक्षण को साथ ही प्रदेश मरुभूमिकरण होना जोगाने कार्य प्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले चुरे क्षेत्र को संरक्षण का लागि प्रदेश सरकारले कानूनी प्रशासनिक लगायत सबै उपाय अवलम्बन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। नदी नाला का ढुंगा गिटी बालुआ को अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तैना प्रत्येक जिला में एक एक पुस्तकालय स्थापना प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा के निरंतरता दैत प्रदेश के प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में एक एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना क जनकपुर के शिक्षा हब बनेबाक प्रदेश सरकार जनौनी आज स्थानीय संघ सरकार संग समन्वय क चूड़े संरक्षण करबाक नीति लेने प्रदेश प्रमुख झा बतौलन जनता समाजवादी पार्टी महंत राजेंद्र पक्ष वर्तमान सरकार में दोसर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर सफल भेल देश में आधा से बेसी मधेशी रहल आ आधा के हिस्सेदारी के मांग बढ़त के अवस्था में महंत राजेंद्र पक्ष वर्तमान मंत्रिमंडल में इतिहास में पहिल बेर 50% मधेशी के मंत्री बनाव सफल भेल छाक आई भेल मंत्रिमंडल विस्तार बाद बनल 25 सदस्य मंत्रिमंडल में 13 गोटे मधेशी सांसद के मंत्री बनाव सफल भेल छाक 13 गोटे मध्य 11 गोटे जसपा महंत राजेंद्र पक्ष के रहल छाक त बाकी 2 गोटे एमालेक मधेशी समुदाय के मंत्री रहल छाक वर्तमान मंत्रिमंडल में जनता समाजवादी पार्टी के राजेंद्र महतो शरद सिंह भंडारी उमाशंकर अरगरिया बिमल श्रीवास्तव राजकिशोर यादव अनिल कुमार झा लक्ष्मण लाल कर्ण चंदा चौधरी इकबाल मियाँ रेणुका गुरुंग चंद्रकांत चौधरी रहल छाक त बाकी 2 गोटे एमाले से मधेशी मंत्री सब में रघुवीर महासेठ आ ज्वाला कुमारी रहल छन मधेशी समुदाय से एक बेर सरकार में एतेक पैघ संख्या में मंत्री बनल घटना पहिल बेर रहल अछि मंत्री परिषद के नवनियुक्त सदस्य सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छन
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में 7 गोटे मंत्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष आ 1 राज्य मंत्री प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलायत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रवि दिन मंत्री परिषद के पूर्णता दिलायत। ओली अपन नेतृत्व के टीम में खगराज अधिकारी के गृह मंत्रालय, नारद मुनि राणा के वन मंत्रालय, गणेश बहादुर पहाड़ी के सामान्य प्रशासन मंत्रालय, नैना कला थापा के सूचना तथा संचार मंत्रालय, ज्वाला कुमारी शाह के कृषि तथा पशुपंछी मंत्रालय, राजकिशोर यादव के उद्योग मंत्रालय तथा मोहन बानिया के बिना विभागीय मंत्री बनाने आयत। आशा विके वन राज्य मंत्री के जिम्मेवारी देने शायद। प्रदेश नंबर 2 में उच्च सौ निःशुल्का तह के 28 गोटे कर्मचारी के लिए आवेदन खुजल आय। प्रदेश लोक सेवा आयोग 28 गोटे कर्मचारी के लिए विज्ञापन खुलने आय। आयोग सार्वजनिक सूचना मार्फत अप्रभाविधिक देश 9 तहक अधिकृत 6 गोटे, स्वास्थ्य सेवा बाह्य के सेवा दिस 12 गोटे, स्वास्थ्य सेवा के लिए 10 गोटे कर्मचारी मांग के आय। आयोग विज्ञापन भेल पद के लिए असार 16 गते धरि आवेदन के मिति तोकने आय। आयोग विज्ञापन भेल पद के लिए योग्यता पहुंचल उम्मीदवार देने दरखास्त बाद छनोट परीक्षा जनकपुर धाम में हैत बतौनी आज। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 3,749 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल आज। देश भर कैल गेल 9,901 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,874 आ 5,337 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 875 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी आज। इस संगे नेपाल में हाल धरि पीसीआर परीक्षण के क्रम में 6,01,687 आ एंटीजन परीक्षण के क्रम में 17,714 संक्रमित भेटल आज। तहिना कोरोना के कारण थप 59 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल। हाल धरि नेपाल में 8,238 गोटे कोरोना के कारण जान गुमौनी आज। नेपाल में थप 5,293 संक्रमित निक भेला से हाल धरि 5,15,591 संक्रमित निक भेल। नेपाल में हाल 77,858 गोटे आइसोलेशन में आ 616 गोटे क्वारेंटाइन में छाइ। हाल धरि नेपाल में 31,89,104 पीसीआर आ 91,368 एंटीजन परीक्षण भेल मंत्रालय जनौने अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र सँ प्रदेश सांसद भेल कार्यवाही में परल ज्वाला कुमारी शाह के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली केन्द्र सरकार में मंत्री बनौने छथि। प्रधानमंत्री ओली शाह के समेट कऽ बृहस्पति दिन मंत्रिपरिषद विस्तार केलथि। विस्तारित मंत्रिपरिषद में ओली ज्वाला के कृषि मंत्रालय के जिम्मेवारी देने आज। ज्वाला किछ महीना पहिने मात्रे प्रचंड के संग छोड़कर ओली समूह में लागल छली। ओ बीतल प्रदेश सभा के निर्वाचन में नेकपा माओवादी केन्द्र के दिस 12 क्षेत्र नंबर 3 के कौस निर्वाचित भेल छली। नेकपा माओवादी केन्द्र बीतल चैत 30 गते प्रदेश 2 के 4 गोटे सांसद के पद मुक्त कर सिफारिश केने छल। माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा सदस्य सब रामचंद्र मंडल, कुंदन प्रसाद कुशवाहा, ज्वाला कुमारी शाह आ मोहम्मद शमीर के कार्यवाही स्वरूप पद मुक्त केने छल। नेकपा एमाले में लगलाक बाद 4 गोटे के पार्टी के केन्द्रीय समिति स्पष्टीकरण पूछने छल। 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण देव कहल गेलाक बादो ओ सब स्पष्टीकरण नहीं देलाक बाद पद मुक्त कयल गेल छल। नेकपा एमाले में लगलाक बाद ज्वाला के पार्टी प्रदेश 2 के अध्यक्ष तथा 12 जिला इंचार्ज के जिम्मेवारी देने छल। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग पद मुक्त भेल छथि। प्रदेश सभाक बृहस्पति दिनक बैसार में विश्वास के मत पाव असफल भेलाक बाद मुख्यमंत्री गुरुंग पद मुक्त भेलथि। विश्वास के मत लेबाक क्रम में गुरुंग के 27 मात्रे मत केलक। तेना हुनक विपक्ष में 30 मत पड़ल छल। प्रदेश सभा बैसार में 58 गोटे सदस्य उपस्थित भेल में 57 गोटे मात्रे मतदान में सहभागी जनौनी छल। 60 सदस्य प्रदेश सभा में सरकार बनाब 31 मत के आवश्यक पड़त। प्रदेश सभा में पैघ दल के नेता के हैसियत में बीतल बैशाख 29 में गुरुंग दोसर बेर मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल छलथि। आब संविधान के धारा 168(5) अनुसार नया सरकार गठनक प्रक्रिया शुरू हैत। विपक्षी गठबंधन के दिस नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता कृष्ण चंद्र नेपाली पोखरेल दावी करबाक तैयारी केने छनि। आब आर्थिक समाचार। सोना के दाम आय घटल अछि। भरी के 300 रुपया घटल सोना के दाम आई 93,900 रुपया तोकल गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी अछि। सोन काल भरी के 94,200 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना चांदी भरी के 5 रुपया बढ़ल अछि। काल भरी के 1,350 रुपया में कारोबार भेल। चांदी के दाम आई 1,355 रुपया तोकल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
म्यानमार में सैन्य विमान दुर्घटना भेला से करीब 12 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना म्यानमार के दोसर पैघ शहर मंडेला में भेल छल। तहिना बृहस्पति दिन विमान राजधानी से पाइन ओ लुइन शहर दिस जा रहा छल। विमान लैंड करबाक समय में दुर्घटना भेल छल। सैन्य अधिकारी खराब मौसम के कारण कम्युनिकेशन नहीं भेला से दुर्घटना भेल बतौनी अछि। विमान में 5 सैन्य अधिकारी संग में किस गोटे भिक्षु सेहो सवार छल। दुर्घटना में पड़ म्यांमारक सबसे प्रभावशाली भिक्षु अभिषेका महारथा गुरु भाटनट कविशरा के मृत्यु भेल विदेशी संचार माध्यम जनौनी अछि। अमेरिका फाइजर बायोएनटेक विकास केने कोरोना भाइरस कोविड 19 विरुद्ध के 50 करोड़ डोज को विश्वक 100 देश में वितरण करबाक भेल अछि। अमेरिका 100 देश में 50 करोड़ डोज को वितरण के लेल फाइजर संग समझौता केने अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब बतौनी अछि। बृहस्पति दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन उक्त योजना घोषणा कर सकबाक अपेक्षा अछि। अमेरिका के योजना अनुसार के 20 करोड़ डोज खोप एहि वर्ष वितरण कयल जायत तब बाकी 30 करोड़ डोज खोप दोसर वर्ष के शुरुआती 6 महीना भीतर वितरण होयत। समाचार में उल्लेख कयल गेल अनुसार ई खोप विश्वभरि समान रूप में खोप वितरण के लेल आगू सारल गेल कोवैक्स कार्यक्रम मार्फत निम्न तथा कम आय आयल देश में जायत। संगे अफ्रीकन यूनियन के सेहो किछु खोप प्रदान कयल जायत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन विश्वभरि अमेरिकाक प्रभाव पुनः घुरेबाक रणनीति में आगू बढ़ि रहल अछि। अमेरिका वितरण करय लागल खोप सेहो ओहि रणनीति के एक हिस्सा अछि। अमेरिका के योजना बारे फाइजर कोनो प्रतिक्रिया नहि देने छैक। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।